Today we will discuss about what is requirement elicitation. Requirement elicitation is concerned with learning and understanding the needs of the users and project sponsors with the ultimate aim of communicating these needs to the system developers. Requirement elicitation ka maksad kya hota hai? Ki hum learn karein aur understand karein ki user ki needs kya hai. User humse kya expect kar raha hai? User humse kya chahta hai? वो क्या हमसे जो प्रोजेक्ट की उसने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके मुताबिक वो क्या चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट किस तरह से बने, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए, उसको हम अंडरस्टैंड करें और उसकी जो और उसको कम्युनिकेट करना डेवलपर्स के साथ होती है रिक्वायरमेंट. उसको अंडरस्टैंड इसलिए हम करते हैं कि हाँ, ताकि हम डेवलपर्स को उसके बारे में बता सकें. नेक्स्ट थिंग इज ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ एलिसिटेशन इज डेडिकेटेड टू अनकवरिंग एक्सट्रैक्टिंग and servicing the wants of the potential stakeholders. Elicitation क्या है? उसको uncover करना, उसको extract करना, servicing. इसका मतलब ये क्या है कि elicitation को समझना, उसको like किसी चीज़ को खोल के रखना, कि बता देना कि ये चीज़ यूँ है, उसको extract करना, निकालना कि इस requirement के against वो ये मांग रहा है, ये requirement है, तो उसको easy way में जिस तरह describe करना, उसको हम कहते हैं elicitation. Elicitate करना किसी चीज़ को, उसको हम कहेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन.